हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एसेंस ऑफ लाइफ इंक्लूड करता है आपकी लाइफ में आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हों। इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, इतनी सारी प्रिपरेशन करनी होती है हमें, इतने सारे चैनल्स हैं, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आखिर हम चुने तो चुने क्या। तो ये सीरीज आप सभी के लिए है। मुझे पता है कि करंट अफेयर्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, और हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सीरीज़ मेरे लिए और आप सभी के लिए है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। आज से हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है, आगे आगे क्वालिटी से लेकर हर एक चीज़ पर पूरी गहराई से काम किया जाएगा ताकि कोई भी टॉपिक ना तो छूट पाए और अच्छे से हम उसे कवर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है GS1, वुमेन एम्पावरमेंट। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने अप्रूव किया है प्रपोजल टू ग्रांट लीव बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मैटरनिटी, चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड अडॉप्शन। किन के लिए? टू वुमेन सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयर वॉरियर्स। ये एक इनिशिएटिव है ताकि एक इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन हो वुमेन का भी। कोई भी देश, कोई भी सोसाइटी तभी अच्छे से डेवलप हो सकती है, अच्छे से ग्रूम कर सकती है जब उसका हर एक मेंबर अपना इक्वल पार्टिसिपेशन दे। एंशियंट हिस्ट्री में आपने बहुत बार पढ़ा होगा किस तरीके से औरतें भी पूरे तरीके से सहयोग देती थी, और ये एफर्ट उसी दिशा में है। प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रीवियसली हमें बताया था उसकी इम्पोर्टेंस को, किस तरीके से हमारे देश और ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएगा जब नारी शक्ति का हम सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो ये स्टेप उसी दिशा में है। नेक्स्ट इज GS2, इंटरनेशनल बॉडीज, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स को इंप्लीमेंट करने का फैसला लिया है जो कि 2010 में रिव्यू से लिए गए थे, जैसा कि नोटिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग CA, चार्टेंड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी एंड एटसेट्रा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप जानते ही होंगे, नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि ये किसी फाइनेंशियल तरीके के एस्पेक्ट से रिलेटेड है। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में बाय G7, जो कि खुद में एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडी है। पेरिस के समिट में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन 1989। इसके हेडक्वार्टर्स लाजमी हैं पेरिस, यानी कि फ्रांस में ही हैं। ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंटरनेशनल बॉडी के। नाम से हमें फाइनेंशियल से समझ आता है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को ये गवर्न करने के लिए बनाई गई थी ताकि किसी भी तरीके से कोई भी धोखाधड़ी ना हो पाए, देशों के बीच में एक पीसफुल रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए। लेकिन बाद में इसके अंदर एक और एस्पेक्ट जोड़ा गया रिलेटेड टू टेररिस्ट एक्टिविटीज। बहुत सारे देश कई बार फाइनेंस करते हैं ऐसी एक्टिविटीज को, ऐसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए ताकि किसी भी तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज को कोई सपोर्ट प्रोवाइड ना किया जाए, ये प्रोविजन ऐड किया गया। और 9/11 अटैक्स के बाद 2012 में एक और एफर्ट डाला गया टू काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट कोई भी देश प्रमोट ना कर पाए। इसके मेंबर्स हैं 39, जिसमें दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिया की बात की जाए तो हमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला इन 2006 और हम इसके फुल टाइम मेंबर बन गए 2010 में। GS2 में एक और पार्ट आता है वेलफेयर स्कीम्स का, इसी में आज हम डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के द्वारा एक मिशन मोड में, जिसमें टारगेट सेट किए गए। एक ऑब्जेक्टिव था कि सभी को मकान मिल पाए 2022 तक। इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही जिसके लिए इसे एक्सटेंड भी किया गया 2024 तक। इसके बेनिफिशियरीज के बारे में जानते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट बेनिफिशियरी की 70 रखी गई है। उसका परिवार जरूर होना चाहिए जो भी इस तरीके की स्कीम का पार्ट बनना चाहता है। बेनिफिशियरी का या फिर उससे रिलेटेड किसी भी फैमिली मेंबर का कोई भी घर पक्का हाउस नहीं होना चाहिए इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। एक और कंडीशन है कि एक अडल्ट फीमेल की मेंबरशिप भी जरूर हो, इट इज मैंडेटरी, ताकि आपको ओनरशिप ऑफ हाउस मिल सके।
GS3 एयर पोल्यूशन, आप जानते ही होंगे इट्स नवंबर एंड बहुत ज्यादा पोल्यूशन की कंडीशन है हमारे आसपास, खासकर हमारे NCR रीजन में। हम डेली कोई ना कोई पोल्यूशन से रिलेटेड बॉडी के बारे में या फिर जो भी प्रोविजंस हैं उनके बारे में जानेंगे ताकि हम हर एक आस्पेक्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएं। आज हम जानेंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि 2021 में एस्टेब्लिश की गई थी ताकि एक बेटर कोऑर्डिनेशन बन पाए, इजीली रेजोल्यूशन निकाले जा सके कि कैसे हम अपने NCR और इसके आसपास के एरियाज में बेटर एयर क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। इस टाइम पर दिल्ली की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है, आप जानते ही होंगे AQI 400 प्लस है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था एक डिफरेंट बॉडी को एस्टेब्लिश करना ताकि जिसका काम सिर्फ एयर क्वालिटी को मेंटेन उसको अच्छा करने में हो। इसने रिप्लेस किया एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश की थी। 22 साल से ये काम कर रही थी लेकिन 2021 में CAQM के एस्टेब्लिश होने के बाद इसे रिप्लेस कर दिया गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT ही इसके रिलेटेड केसेस को सुन सकता है, कोई भी सिविल कोर्ट अलाउड नहीं है ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए। एंड नाउ फॉर यू देयर आर क्वेश्चंस, यू हैव टू टेल इज इट ट्रू और फॉल्स। FATF वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1979। सेकेंड, मेंबरशिप ऑफ वन एडल्ट फीमेल इज मैंडेटरी इन ओनरशिप ऑफ द हाउस। थर्ड, सिविल कोर्ट्स कैन ऑल्सो हियर केसेज रिलेटेड टू CAQM। कमेंट सेक्शन में बताएं इनके जवाब। कल फिर मिलेंगे हम इसी समय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सकता है आज कोई कमी रही हो मुझसे, मैं कोशिश करूंगी कि कल इससे भी काफ़ी बेटर काम किया जाए। मैं खुद एक स्टूडेंट भी हूँ, तैयारी कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि हम सभी कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। हमारे आसपास के लोग वो प्रेशर समझ ही नहीं सकते, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना, क्योंकि मार्केट में कॉन्टेंट तो इतना अवेलेबल है कि आप थक जाएंगे लेकिन आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्वालिटी मैटर्स, क्वान्टिटी डजेंट। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लेकर आई जाए ताकि हमारी प्रिपरेशन भी बेस्ट हो पाए और हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। कल की वीडियो इससे भी बहुत बेहतर होगी। तो कल मिलते हैं फिर इसी समय।